हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं रेडियो के बैठी हूँ, इसका मतलब कहीं तो जा रही हूँ। तो आज हम जा रहे हैं फूड फेस्टिवल में जो हो रहे हैं अस्तावल मैदान में। तो हम मतलब हमारा पूरा टीम जा रहा है आज। तो फिलहाल अभी मेरे रूम में तीन लोग हैं, तीन लड़कियाँ। एक जो है मेकअप करने में बिजी है, एक रेडियो के आई है, तो मैं चलिए मिलवाती हूँ उन लोगों से। तो यहाँ पे रूबीना, जो कल वाले ब्लॉग में आपने देखा था ना डायरेक्टर, वो यही है रूबीना। और यहाँ पे है एक्ट्रेस जो है शीतल, ये है आयान। तो रूबीना आज एकदम, सॉरी रूबीना नहीं, ये है शीतल। शीतल आज एकदम संस्कारी बहू बन के रेडी है। शीतल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। हाँ। इससे पहले अभी ना ये इसे पहले शूट चल रहा था इसका। हाँ, तो उसमें एकदम सिंदूर विंदूर लगा के पूरा एकदम संस्कारी बहू बनी थी। अभी थोड़ा इनसेंट बहू लग रहे थे। तो अभी उसने मेकअप उठाया और मतलब फिर से मेकअप लगाया है। तो यार रूबीना, रूबीना कुछ बोलो। मेरा वीडियो कब रिलीज हुआ था? आज ही सुबह ही ना, कल वाला वीडियो आज ही रिलीज हुआ था। जहाँ पे मैंने बोला था डायरेक्टर, वीडियो जिसमें मैंने डायरेक्शन दिया था, वो जाके देखो सब लोग। हाँ, उसकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पे शीतल, यहाँ पे शीतल और मौतम का आज एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है, उसके बारे में बताओ। वो म्यूजिक वीडियो नहीं, वो म्यूजिक वीडियो में मर गया था। कौन सा म्यूजिक वीडियो? हाँ, जो नया वाला है। उसमें हमें मेरे बॉयफ्रेंड के साथ वो मिलने के लिए जा रहे थे, उसके बाद में बेचारी मर गई। बेचारी मर गई है, कोई नहीं। लोगों को ना वो वाला म्यूजिक वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसका भी एक्टिंग अच्छा है और मौतम का भी एक्टिंग अच्छा है। सो फ्रेंड्स, मिल लिया सभी से, हम तीनों लड़कियों से मिल लिया आप लोगों ने। तो अभी जाके मिलते हैं फूड फेस्टिवल में, तो चलिए। वो क्या है ना फ्रेंड्स, कहीं जाने से पहले थोड़ा नौटंकी तो बनती है ना, तो वही नौटंकी मैं यहाँ पे कर रही थी। और कहाँ जा रहे फेस्टिवल? क्या फिर से बोलो? फूड फेस्टिवल। फूड फेस्टिवल, वहाँ पे तुम्हारे खाने वाले कोई चीज नहीं है। मुंह इसका लटक गया इसका। अभी फूड फेस्टिवल में मैंने उन लड़कियों को दिखाया है, तो हमारे साथ मौतम भी जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जा रहे हो? चलो अकेले बैठ के क्या करोगे, पूरा टीम है, वो नहीं जा। सो यहाँ हम लोग निकल पड़े थे, हम लोग आगे आगे थे और बाकी के लोग पीछे आ रहे थे। तो हम लोग नज़दीकी थे, पहुंचने वाले थे, तो यहाँ मुझे अलग से वॉइस रिकॉर्ड करके देना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ थी, प्रोग्राम भी हो रहा था, तो वहाँ पे कुछ साउंड सुनाई नहीं देगा, तो इसलिए मुझे वॉइस अलग से रिकॉर्ड करके देना पड़ रहा है। तो खैर, हम लोग अंदर जा चुके थे, वहाँ से शुरू हो गई थी, साइड में स्टॉल, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे वहाँ पे। वहाँ जाने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि शायद लोग बहुत कम होंगे, बट जाके देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्राम भी चल रहा था ना, वहाँ पे डांस के लिए बच्चे आए हुए थे, कोई सिंगिंग कर रहे थे, गाना गा रहे थे, और आप भीड़ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो खैर, हम लोग यही देख रहे थे। अभी स्टॉल में, मतलब जो फूड स्टॉल थे वहाँ पे हम लोग नहीं गए थे, यहाँ पे थोड़ा सा रुके थे। यहाँ पे शीतल वो भी शायद ब्लॉग ही बना रही थी। तो यहाँ से शुरू होती है फूड स्टॉल्स, तो एक एक करके मैं सब दिखाऊंगी फूड स्टॉल्स कहाँ पे क्या है। तो पहले स्टार्टिंग हुई यहाँ पे, पकोड़े वगैरह थे, पैटिश वगैरह, और यहाँ पे एक एक करके भीड़ थे, मतलब हर एक स्टॉल में लोग लगे हुए थे। तो देखिए, ये देखिए क्या है। यहाँ पे चिकन लेग पीस, और यहाँ मुझे मिल गए थे मेरे फेवरेट स्टॉल। मतलब ज्वेलरी की, यहाँ पे मणिपुरी गोल्ड थे, सिल्वर ज्वेलरी थी। तो वहाँ जाके मैं छानबीन शुरू कर दी ज्वेलरी की, एक एक करके सब देख रही थी। अच्छा लग रहा था, मतलब सिल्वर ज्वेलरी जो इतनी सुंदर सुंदर थी, यहाँ पे मणिपुरी गोल्ड की चेन्स इतने अच्छे अच्छे थे,
तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया इसका प्राइस, तो उन्होंने बताया कि 250 का है। फिर मैंने सोचा क्या करूँगी, लेकिन कहीं जाना तो है नहीं, फिर मैंने रख दिया इसको। फिर बाकी की जो ज्वेलरी से यहाँ पे चूड़ी वगैरह वो देख रही थी, अच्छा लग रहा था। मतलब स्टॉल, मतलब मेरे लिए ज्वेलरी की स्टॉल मेरा फेवरेट है। तो यहाँ देख सकते हैं, वाह सिल्वर ज्वेलरी है ना, सुंदर। तो अभी आगे बढ़ते हैं फूड स्टॉल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए कॉर्न, यहाँ पे कुछ चटनी थे शायद, चटनी बना रहे थे, यहाँ पे पानी के बॉटल्स। तो ये है भुट्टा, मतलब कॉर्न। हम लोगों ने सोचा कि भुट्टा ट्राई करते हैं, फिर देखा तो उसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर हम लोगों ने प्लान चेंज कर दिया, फिर सोचा कहीं और कुछ ट्राई करते हैं, भुट्टा नहीं, उसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर हम लोग वहाँ से उस स्टॉल से चले आए अभी कुछ और ट्राई करने के लिए। हम लोगों ने एक पेटिस ट्राई करने के लिए सोचा, तो वही देखिए ऐसा लग रहा ना, ये मेरा स्टॉल है मैं सबको खाना सर्व कर रही हूँ तो वही एक एक करके मैं सबको प्लेट सर्व कर रही थी। अभी हमारे पास यही बचा है खाने के लिए, बाकी कुछ और उतना अच्छा नहीं लग रहा था खाने के लिए। यहाँ मैं पेटिस सर्व तो कर रही थी, बट पता नहीं उन लोगों को पसंद आएगा भी नहीं ये पेटिस, क्योंकि ये पेटिस लेने का आइडिया मेरा था। अब उन लोगों को कितना अच्छा लगेगा मुझे नहीं पता, बट देखते खा के। फिर आयन ने पहले टेस्ट किया, मैंने बोला कैसा है, उसने बोला ठीक ही है, मतलब उसको उतना अच्छा नहीं लगा था। फिर मैंने ट्राई किया तो अच्छा ही लगा, उतना ख़राब भी नहीं था, तो बाकी लोगों को भी पसंद आया। फिर मैंने बोला चलो ठीक है। अब मैं पहुंच गई हूँ मेरे फेवरेट, आप लोगों को पता ही है मुझे ज्वेलरीज बहुत पसंद है, हालांकि मैं उतना पहनती नहीं हूँ, बट मुझे देखने में, ख़रीदने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं और शीतल ट्राई कर रहे थे। तो यहाँ पे इतने सारे ईयरिंग्स थे ना, थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो गया था। यहाँ पे शीतल भी कन्फ्यूज्ड है, मैं भी कन्फ्यूज्ड हूँ, बट ये वाला झुमका मुझे अच्छा लगा, सिंपल है और सुंदर है। तो मैंने शीतल को दिखाते बोला हाँ सुंदर है भाभी तो वो भी सिलेक्ट कर रही थी उस। अभी हुआ ये है, ईयरिंग पसंद आ गए थे, सिलेक्ट भी कर लिया बट नहीं लिया, क्योंकि भैया के पास भी छुट्टे नहीं थे और मेरे पास भी छुट्टे नहीं थे, तो जैसे ईयरिंग लिया वैसे ही रख दिया अब मैंने भी रख दिया तो शीतल ने भी रख दिया, उसने बोला नहीं मुझे भी नहीं लेना, मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए कोने में आया ना आइसक्रीम खाता हुआ कि अभी देखिए शीतल वो फ़ोन पे बात कर रही है, वो खिलौने वाले फ़ोन से मतलब वो भी बच्ची बन गई है। अभी आयन को मिला ये बबल्स वाला, वहीं पे उसने बबल्स वो खेलना शुरू कर दिया था। तो यहाँ छोटे छोटे स्टॉल्स और भी थे बच्चों के सामान, खिलौने वगैरह, तो वही देख रहे थे। यहाँ पे देखिए कितना क्यूट क्यूट माउस है वहाँ पे, और ये सब देख रहे थे सब शीतल और आयन मिलके इन बच्चों के सामान देख रहे थे तो हम दोनों बस अब निकलने वाले थे, बहुत घूम लिया। तो यहाँ मैं और रुबीना, वो लोग जा चुके थे, और लास्ट में रुबीना बची थी, वो बेचारी अकेली जाएगी, इसलिए मैंने सोचा उसके साथ मैं चली जाती में है। तो हम लोग जा रहे थे, अभी क्या हुआ रिक्शे में जाते जाते मेरे हाथ में थमा दिया ये वो बबल्स का, मैं भी इसके अभी हवा में इसे उड़ रहा था ना, मुझे अच्छा लग रहा था मैं भी बच्ची जैसी बन गई थी।
तो रिक्शे में बैठ के उसको हाथ में पकड़ के देखिए ऐसे घूम रहे हैं ना, मज़ा आ रहा था ये देख के, मैं खुद घुमा रही थी ऐसे ऐसे, घूम क्यों नहीं रहा, हवा की वजह से घूम क्यों नहीं रहा, मैं ऐसे सोच रही थी। सो फ्रेंड्स, ये वाला ब्लॉग इतना ही था, आगे नया सा ब्लॉग लेके मैं आऊँगी, फिर से नया ब्लॉग लेके मैं आऊँगी, तब तक के लिए गाइस बाय, गुड नाइट।